नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए मैथ का चैप्टर 12.2। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो था, मैंने इससे पहले बना दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर एक चाप की लंबाई, नंबर दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और नंबर तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, तो सबसे पहले हम 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बनाएंगे, ये देखिए मैंने एक, आप लोग वृत्त को प्रकार से बनाइएगा, मैंने ऐसे बना दिया है, ये हमारा एक वृत्त बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, मतलब ये केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, ये 60 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए मान लेते हैं हम ओ, इसको ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो केंद्र पर हमारा 60 अंश का कोण बन रहा है। कह रहा है नंबर एक चाप की लंबाई, हमें क्या निकालना है, हमें ये चाप की लंबाई निकालनी है। पहली बात हमें निकालनी है चाप की लंबाई। ठीक है, देखिए हमने पहले पूछ रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालनी है हमें। देखिए चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr जो सूत्र होता है इसका, देखिए मान रखिएगा यहाँ पर चाप की लंबाई यही वाला चाप है। ठीक है दोस्तों, इस चाप की लंबाई निकल रही है अब, तो देखिए ये चाप के ऊपर देखिए मैं लाइन कर रहा हूँ, ये इस चाप की लंबाई निकल रही है। ठीक, तो देखिए थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री दिया गया है, अपन 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 0 0 कैंसिल, 6 से 6 बार चला जाएगा 36। ठीक है, 7 3 21 तीन बार, और 3 2 6 से 6 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा ये हमारा ये 22 सेंटीमीटर। तो हमारे चाप की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा भाग कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप देखिए, चाप कौन कौन सा, ये चाप है, इसके द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बनाया गया, देखिए इस पर अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये देखिए लाइन डाल कर दिया मैंने, ये है त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, थीटा अपान 360 बताया था पहले वीडियो में, टू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा थीटा कितना हो जाएगा, 60/360 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान 21 दिया गया, तो 21 गुणा 21, ये इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये 0 से 0, 6 से 6 करें 36, 6 बार गया, और देखिए 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 11 22, आ गया है 11 गुणा 21। इसका गुणा कर लीजिएगा, 21 1 21 का एक हाथ से लगा दो, 21 1 21 22 23, 231, ये आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया है, हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया है। और देखिए तीसरे पार्ट में इसमें क्या बात कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा भाग कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए। अब देखिए अगर हम इसको मिला दें ए बी को, तो हमारी ए बी जीवा हो जाएगी, तो संगत जीवा कौन सी हो जाएगी, संगत जीवा हमारी हो जाएगी जीवा ए बी। तो देखिए तीसरा भाग यहाँ पर लगाएंगे, देखिए तीसरा भाग ये कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा हमारी ए बी, ए बी द्वारा देखिए कौन सा वृत्तखंड बन रहा है हमारा, ये बन रहा है ना, ये देखिए मैं डार्क कर दिया इसको ब्लू पेन से, ये वाला ये हमारा वृत्तखंड हो गया, वृत्त का एक छोटा हो गया संगत, ये लघु वृत्तखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें तो निकल आएगा, तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज ये ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये भुजा 21 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको चित्र बना ले, समझ में आ जाएगा आपको, त्रिभुज मैंने बना लिया ये ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए कोण 60 अंश का है, ये भुजा 21 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 21 सेंटीमीटर, सम्मुख भुजाओं के ये आमने सामने की अगर भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा,
अगर ये 60 है तो कितना बचा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसका मतलब है कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, रूट 3/4 भुजा कितनी दी गई, 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, रूट 3 को रूट 3 ही रहने दीजिए, और 21 का वर्ग होता है 441, तो 441/4 ये हमारा आ जाएगा बराबर 441 रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या आ गया है, हमारा आ गया है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। हमसे कहता था संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमने पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब हमें लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, कि त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हमारा है 231, तो 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 441 रूट 3/4, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, अपने आंसर शीट में देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कौन सा आंसर आया है, ये हमारा ये निकल गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, आपके सामने इसके लिए सवाल लगा हुआ है, पढ़िए इसको एक बार। कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60° का कोण बनाती है, संगत लघु वृत्त और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है हमारी 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60° का कोण बनाती है। तो कोई इसकी जीवा, यहाँ से ये जीवा है, ये केंद्र पर 60° का कोण बना रही है। ये हमारी ए बी एक जीवा है, ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60° का, इसको नाम दे देते हैं। अब कह रहा है हमसे कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, देखिए ये हमारा जो भाग है, हमने इसको ब्लू पेन से लाइन किया है, इसको कलर किया है, इसको कहते हैं इतने भाग को, ये हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। और हमारा ये पूरा भाग, ये हमारा जो पूरा भाग बचा है यहाँ से लेकर ये सब, ये वाला सब जितना भाग है रेड पेन से जो मैंने किया है, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, यही तो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार से जो है हमारा चित्र तैयार हो जाएगा। तो हमसे पहले पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और फिर पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों का सबसे पहले हम निकाल लें इसमें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड हमारा ओ ए बी, इसका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें सबसे पहले, अगर कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है इसका, बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका निकाल लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 60/360 गुणे पाई, पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है 3.14 लीजिएगा, तो पाई का मान 3.14, और आर कितना दिया गया है 15, तो 15 × 15 इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा त्रिज्यखंड पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए 6 से 6 बार जाएगा, तो 3, ये देखिए 2 से काट दीजिएगा, 2 × 3 = 6, और 2 × 1 = 2.25, 2 × 10 = 14, 55, ये हो गया है यहाँ पर हमारा 1.57 × 15 = 75। तो इसका यहाँ पर गुणा कर लेते हैं कि इसका देखिए 75 का 1.57 में गुणा कीजिएगा, तो 1.57 का गुणा 75 में करेंगे तो देखिए 5 × 7 = 35 का 5 × 7 = 28, 2 × 5 = 5, 2 × 7 = 7, 7 × 9 = 4, 7 × 5 = 4, 49 × 9 = 3, 7 × 7 = 3, 7 × 10 = 8, 9 × 10 = 17 10 × 17 = 8, ये कितना आ गया हमारा, ये 2 × 10 = 117.75 आ गया है, बराबर आ गया है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा इतने का क्षेत्रफल आ गया त्रिज्यखंड का, लेकिन हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए नहीं है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे त्रिभुज, देखिए ये हमारा 60 त्रिभुज निकाल लेते हैं, अलग लिख लेंगे त्रिभुज को, हम यहाँ पे बना रहे हैं त्रिभुज हमारा कौन सा है ओ ए बी, ये तो है, यह देखिए 15 सेंटीमीटर ये भुजा हमें दी गई है, ये भी 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये कोण में केंद्र का 60° दिया गया है। अब देखिए शेष कोण कितने होंगे,
ये वाली भुजा और ये सम्मुख भुजा जब बराबर होती है तो उनका सामने के कोण, इसका सामने का कोण ए, इसके सामने का कोण ए बी, ये दोनों बराबर होंगे। ये 60 है, त्रिभुज का तीनों अनुपात कोणों का योग 180 होता है, तो 60 ये भी बचेगा और ये भी 60, ये सब बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि ए बी ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्र क्या होता है, संभव त्रिभुज का क्षेत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो रूट 3/4 भुजा का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का मान होता है 1.732 गुणे 15 रूट 15, रूट 15 का स्क्वायर। देखिए रूट 15 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 225। ठीक है, अब उन्होंने रूट 3 का मान इसमें 1.73 तक लिया है तो 2 हटा दिए, रहने दीजिए लेने के लिए। इसको देखिए गुणा कर लेते हैं, तो देखिए गुणा इस पर कर लेते हैं हम कि 225 का गुणा 225 का गुणा 1.73 में करेंगे तो 3/5 15 आगे 5 हाथ लगा 3 × 2 = 7 3 × 2 = 6। ठीक है, 7/35 के 5 हाथ लगा 3 × 7 = 14 15 × 16 = 17 के 7 हाथ लगाए 7 × 2 = 14 = 15 और 1 × 5 = 2 गुणा हो गया इतना 5 × 7 = 12 के 2 हाथ लगा 7 × 7 = 14 5 14 × 5 = 19 का 9 हाथ लगा 1 × 8 = 3 ये हो गया है हमारा 389.25 है 389.25। और यहाँ पर बटे में 4 था तो इसके बटे में 4, इसके भी बटे में 4। इतना करने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बटे में जब 4 करेंगे हम यहाँ से 4 से भाग कीजिएगा, 4 × 36 कितना बचा, 2 बचा यहाँ से तो 29 हो गया, 4 × 7 = 28 बचा 1 × 4 = 12 4 × 4 ये हमारा आ गया है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें निकालना है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखेंगे कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा कि त्रिज खंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा, ये आया था हमारा 117.75 से घटा देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा आ जाएगा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये घटा दिया है 97.31। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये 5 से 3 जाएगा, 1 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, ये पॉइंट, ये 0, यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा लघुवृत्त खंड का। ठीक है, अब आगे देखिए बात करते हैं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले अगर हम निकाल लें पूरे अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और क्षेत्रफल से लघुवृत्त खंड का घटा दें तो दीर्घवृत्त का आ जाएगा। तो लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका निकाल लीजिएगा। देखिए पाई का मान 3.14, आर का मान 15, तो 15 का स्क्वायर तो हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 3.14 गुणे 225 इतना हो गया है। ठीक है, इसको देखिए गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3.14 का गुणा 225 में करेंगे तो 5 × 20 का जितना लगे दो, 5 × 5 = 7 5 × 3 = 15 और 2 × 8 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 तो 6 × 28 ये हो गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 × 8 = 15 5 हाथ लगा 1 तो यहाँ पर 5 × 6 = 7 5 × 2 = 6 7 8 × 8 = 16 6 हाथ लगा 1 1 2 2 4 6 10 का 0 हाथ लगा 1 इतना हो गया है यहाँ पर 2 अंकों 8 दशमलव तो 706 ये हमारा आ गया है यहाँ पर 706.50 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दोस्तों आ गया है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है, हमें निकालना है दीर्घ वृत्त का खंड का। अब लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि अगर पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है कि 706.50 इतना है। अगर इससे अगर हम निकाल लें त्रिभुज, अगर हम निकाल लें लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना निकाल लें तो बचेगा दीर्घ वाला, लघु का कितना आया था, यह आया था 20.44 इसको घटा देते हैं तो 20.44 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देखिए 85.50 यहाँ पे 0.44 तो बचेगा पॉइंट का यहाँ पे 0.6 इतना ये बता बचेगा, इधर 6 से 0 जाएगा 6 बचेगा यहाँ पर और 10 से 2 जाएगा 8 686 तो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा दोस्तों क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।